कर्म बंधन क्या है? यह एक ऐसा प्रश्न है फ्रेंड्स, जिसका उत्तर देते समय अच्छे और बुरे के बारे में समझाया जाता है, लेकिन कर्म बंधन इससे कहीं ज्यादा गहरे होते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं कि कर्म बंधन क्या है, कर्म बंधन कितने प्रकार के हैं और वे हम पर कैसे असर डालते हैं इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, आप जिसे मेरा जीवन कहते हैं, वह एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है जो एक निश्चित मात्रा की जानकारी से नियंत्रित होती है। आजकल की शब्दावली के अनुसार इस जानकारी को हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। जीवन ऊर्जा की एक खास मात्रा से सूचना की एक खास मात्रा जुड़ी होती है। इन दोनों के मिलने से जो सूचना तकनीक अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनती है, वही आप हैं। दोस्तों, आप में भरी गई एक खास प्रकार की जानकारी के कारण आप एक विशेष प्रकार के इंसान बन जाते हैं। जो प्रभाव अतीत में आपके जीवन पर पड़े हैं, वो आपके जन्म से कहीं पुराने हैं। लेकिन अगर आपके वर्तमान के बोध के अनुसार देखें, तो आपके जन्म से आज तक आपके माता पिता कैसे थे, आपका परिवार कैसा था, आपको कैसी शिक्षा मिली, धार्मिक और सामाजिक रूप से आप पर कैसे प्रभाव पड़े, आपके आस पास किस तरह की संस्कृति वास्तविकताएं थी, ये सभी प्रभाव आपके भीतर गए हैं। कोई दूसरा व्यक्ति अलग होता है, क्योंकि उसके अंदर गई जानकारी अलग प्रकार की थी। यही कर्म बंधन है। यह सूचना, यह जानकारी पारंपरिक रूप से कर्म बंधन या कर्म शरीर या कारण शरीर कहलाती है, वह जो जीवन का कारण बनती है। और अब बात करते हैं कर्म बंधन के विभिन्न प्रकार के बारे में। दोस्तों, ये सूचनाएं कई अलग अलग स्तरों पर होती है। इसके चार आयाम है, जिनमें से दो अभी प्रासंगिक नहीं है। सही ढंग से समझने के लिए हम बाकी के दो के बारे में बात कर सकते हैं। एक है संचित कर्म। ये एक तरह के कर्म बंधनों का भंडार है, जिसमें एक कोशिकीय जीव और निष्प्राण पदार्थों तक के भी कर्म शामिल हैं। अर्थात वहाँ तक जहाँ से जीवन विकसित हुआ है, सभी सूचनाएं वहाँ जमा हैं। अगर आप अपनी आँखें बंद कर लें, पर्याप्त मात्रा में जागरूक हो जाएं और अपने अंदर देखें, तो आपको ब्रह्मांड की प्रकृति का पता चल जाएगा। इसलिए नहीं कि आप अपने दिमाग के माध्यम से देख रहे हैं, बल्कि इसलिए कि इन सारी सूचनाओं ने ही आपके शरीर का निर्माण किया है। यह शरीर सृष्टि की रचना के समय से लेकर आज तक की सूचनाओं का भंडार है। ये आपका संचित कर्म है, लेकिन इस भंडार से आप खुदरा अर्थात रिटेल कारोबार नहीं कर सकते। ऐसे कारोबार को करने के लिए आपके पास एक दुकान होनी चाहिए, वो जो इस जीवन के लिए खुदरा दुकान है, उसे प्रारब्ध कहते हैं। दोस्तों, प्रारब्ध वह सूचनाएं हैं जो आपको इस जीवन के लिए प्रदान की गई हैं। आपके जीवन में कितना कंपन है, किस स्तर की हलचल है, उसके हिसाब से जीवन अपने लिए आवश्यक सूचनाएं निर्धारित करता है। सृष्टि अत्यंत करुणामय है। अगर वो आपको आपके सभी कर्म बंधनों की सारी सूचनाएं एक साथ दे दे, तो आप मर जाएंगे। अभी भी बहुत से लोग 30 से 40 वर्ष के अपने इस जीवन की स्मृतियों से ही कष्ट में रहते हैं। अगर उन्हें इन स्मृतियों का 100 गुना दे दिया जाए, तो वे सह नहीं पाएंगे। इसलिए प्राकृतिक आपको प्रारब्ध देती है। दोस्तों, सिर्फ उतनी मात्रा में कर्म बंधन, उतनी ही सूचनाएं जो आप संभाल सकें। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि कर्म बंधन क्या है और एक जिज्ञासु के जीवन में इसकी भूमिका क्या है। दोस्तों, जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर होते हैं, तो आप कहते हैं, मुझे अपनी अंतिम मंजिल पर पहुँचने की जल्दी है। अब आप 100 जन्म नहीं जानते, और अगर आपको और 100 जन्म लेने पड़े, तो आप इतने कर्म बंधन बना लेंगे कि वो अगले 1000 जन्मों तक चलेंगे। लेकिन आप इस सब को खत्म करना चाहते हैं। तो जब आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू होती है, यदि आपको एक खास ढंग से दीक्षित किया जाए, तो ऐसे आयाम खुल जाते हैं जो इसके बिना ना खुलते। अगर आप आध्यात्मिक ना होते, तो आप एक ज्यादा शांतिपूर्ण जीवन जी रहे होते, लेकिन वह जीवन एक उद्देश्यहीन जीवन विहीन जीवन होता, जीवन की बजाय मृत्यु के अधिक निकट होता। अपने अंदर कोई भी मूल परिवर्तन किए बिना आप शायद बस आराम से जीकर चले जाते। तो दोस्तों, इसका अर्थ ये है कि जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर आते हैं, तो आपके साथ सब नकारात्मक बातें ही होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। बात बस ये है कि तब जीवन बहुत ही तीव्र गति से चलता है, आपके चारों ओर के लोगों के जीवन के गति से बहुत ज्यादा तेज। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बस त्रासदियां ही हो रही हैं। वास्तव में आपके साथ कोई त्रासदी नहीं हो रही होती। बस बात बस इतनी सी है कि उनका जीवन सामान्य गति से चल रहा है।
है, जबकि आपका जीवन तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, यानी कि फास्ट फॉरवर्ड पर है। दोस्तों, कुछ लोगों को ये गलत फहमी होती है कि जब आप एक बार आध्यात्मिक मार्ग पर आ जाते हैं तो आप बहुत शांतिपूर्ण हो जाते हैं एवं आपके लिए सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। सुविधाजनक विचार पद्धति पर रहने वाले और एक ही धर्रे पर सोचने वालों को सब कुछ स्पष्ट लगेगा, लेकिन अगर आप वाकई आध्यात्मिक मार्ग पर हैं तो आपके लिए कुछ भी स्पष्ट नहीं होगा, बल्कि सब कुछ धुंधला होगा। आप जितनी तेजी से जाएंगे चीजें उतनी ही धुंधली होती जाएगी। इसे आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि कुछ साल पहले मुझे एक दूसरे शहर जाना था जो 440 किलोमीटर दूर था। मैं जहाँ पर था वहाँ से सामान्य रूप से 5 घंटे की यात्रा थी। मैं रास्ते पर 5 घंटे बिताना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने कार की गति काफी बढ़ा दी और हम लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे थे। उस भाग में ग्रामीण क्षेत्र बहुत सुंदर था और मैंने सोचा था कि मैं उसे देखने का आनंद लूंगा, पर जब भी मैं आंखें घुमाता था तो सब कुछ धुंधला दिखता था और मैं रास्ते पर से एक क्षण से ज्यादा नजर नहीं हटा सकता था। तो दोस्तों, जब आप तेज गति से जाते हैं तब सब कुछ धुंधला दिखता है और आप जो कर रहे हैं उस पर से दृष्टि नहीं हटा सकते। अगर आपको ग्रामीण दृश्यों का आनंद लेना है तो आराम से और धीरे धीरे आपको जाना होगा, पर यदि आप अपनी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी में हैं तो आपको गति बढ़ानी होगी और आप कुछ भी देख नहीं पाएंगे, आप बस जा रहे होंगे। आध्यात्मिक मार्ग भी ऐसा ही है। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं तो आपके चारों ओर सब कुछ गड़बड़ होगा, उल्टा सीधा होगा, लेकिन आप फिर भी गतिमान रहते हैं। क्या ये ठीक है? अगर ये ठीक नहीं है तो आप आराम से मानवीय विकास दर पर चल सकते हैं, पर तब शायद आपको वहाँ पहुँचने में लाखों साल लग जाएंगे। दोस्तों, उनके लिए जो जल्दी में है एक प्रकार का मार्ग होता है और जो जल्दी में नहीं है उनके लिए यह अलग ढंग का मार्ग होता है। आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि आप आखिर चाहते क्या हैं। अगर आप तेज गति के मार्ग पर हैं पर धीरे चलते हैं तो आप गाड़ी के नीचे आ जाएंगे। यदि आप धीमी गति के मार्ग पर हैं पर तेज चल रहे हैं तो आपका चालान हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक जिज्ञासु को ये तय कर लेना होगा कि वह बस मार्ग का आनंद लेना चाहता है या मंजिल पर जल्दी पहुँचना चाहता है। तो दोस्तों, यह था एक छोटी सी जानकारी कर्म बंधन से निकलने की यात्रा के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो से जुड़ा अपने प्रश्न और सुझाव हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।